अभिलाष, शायद लग रहा है कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ दीजिए, मैं ढकेल दे लेके चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, गाड़ी को ढकेलते हुए हम लोग ये नजदीक पेट्रोल पंप ले लेते हैं, फिर वहीं से पेट्रोल भरवा देते हैं। ठीक है सर। ओके ओके। अच्छा अभिलाष उतरो फिर। ठीक है सर। ओके ओके। ठीक ठीक। लो लोग क्या क्या कचरा डाल देते हैं, देश इतना आगे चला गया लेकिन कचरा। अभिलाष थोड़ा रुकना भाई। जी सर। एक मिनट एक मिनट, पकड़ तो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? अभिलाष सुनो, ये सब कचरा, ये जो कचरा है सब ना, हम लोग अगर अपना श्रम नहीं देंगे ना देश के लिए, साफ सुथरा ही नहीं हो सकता, इसलिए कचरा उठा के फेंकना पड़ेगा। सही है सर ये। हाँ चलो चलो चलो। ठीक चलिए। अभिलाष सर एक काम करो, ये थोड़ा सा तुम ये यहाँ पर अपना श्रमदान दो, थोड़ा सा साफ सुथरा करो, मैं पेट्रोल भरवा देता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके। तुम थोड़ा सा वो ये देख लो कहाँ कहाँ पर कचरा है। अरे नमस्ते नमस्ते, तुम लोग कहाँ आए हो? सर पापा थोड़ा पेट्रोल भराने आए तो वहाँ पे आए। पापा पेट्रोल भरवाने आए? ओहो चलो बढ़िया हुआ। सर अभिलाष आपके साथ आया? हाँ अभिलाष मेरे साथ आया है। कचरा उठा रहे? कचरा ये उठा रहा है इसीलिए, देश को हर किसी को ना अपना थोड़ा बहुत लेबर देना चाहिए, तो ये अपना लेबर दे रहा है। मेरे साथ आया था, मैं बोला कि तुम थोड़ा साफ कर लो, फिर हम लोग पेट्रोल भर के आ गए और चल देंगे। सर वहाँ पे देखिए कुछ बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे क्या है? अरे अरे सही में तो ये भारत पेट्रोलियम कुछ स्वच्छ भारत के ऊपर एक नोटिस लगवाया है ना। चलो चलो देखते हैं वहाँ पर क्या लगा। चलो 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 चलो। अरे अभिलाष इधर आ, तो इधर आ इधर आ इधर आ। अरे अभिलाष सही में लिखा है देखो, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, सही में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत होता है। अगर हम लोग को सुस्त रहना है ना तो स्वच्छ रखना पड़ेगा। बाकी सबसे बड़े बड़ी चीज बात यह है कि कोई भी बात को ना, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, हम लोग खाली सोचने से साफ सुथरा नहीं होगा। दूसरी बात है देखो, ये गतिविधि भी नहीं है, मतलब हम लोग ना खाली इसके ऊपर एक्शन प्लान बनाते रहे और काम नहीं करेंगे तब भी नहीं बनेगा। हाँ सर। एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, मतलब ये टीवी सीरियल बनाना, वीडियो फोटोशॉप उठा के ऐसे हम लोग डाल रहे कचरा सफा करें, वैसे भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। बल्कि ये एक प्रतिबद्धता है, मतलब हम लोग को कसम खाना पड़ेगा, और हम लोग कसम खा लेंगे कि हम लोग को हर दिन अपना समय दे के थोड़ा सा साफ सुथरा करना है। बाकी रहा साफ करने के बाद भी उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि ऐसे ही इधर से उठाया उधर फेंक दिए, फिर तो वही हो गया ना। जी सर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आजकल तो सिंगल प्लास्टिक भी लोग यूज करना बंद कर रहे हैं, मैं तो सबको बोलूंगा कि बंद करो, सिंगल प्लास्टिक भी यूज नहीं करना चाहिए हम लोगों को। और एक बात है कि हम लोगों को ना वृक्ष भी लगाना चाहिए, पौधे पेड़ अगर नहीं लगाएंगे कहाँ बचेंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिद्धि एक बात सुन लो, समझ रहे हो ना कविता? जी सर। हम लोगों को ये चीज को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता पखवाड़ा जो चीज सरकार ने शुरू किया है ना, इसको हम लोग को अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे सर। तो आज से हम लोग कसम खाते हैं जी, हाथ उठा के आज से हम लोग कसम खाएंगे कि कभी भी हम लोग अपना जो समय है वो समय देंगे, अपना समय दे के देश को साफ सुथरा रखेंगे। दूसरी बात है, जो भी चीज हम लोग उठाएंगे कचरा को डस्टबिन में डालेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, पौधा हर समय ट्राई करेंगे कि लगा के उसको बचा के बड़ा करने के लिए, ना कि खाली वीडियो फोटोशूट के लिए। बिल्कुल सर, हम आपके बात से सहमत हैं।
जी सर। है ना? जी बिल्कुल सर। तो इसी बात को रखते हुए नज़र मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये कोई वीडियो नहीं है, ये एक हम लोगों का लाइफ है, जिंदगी है, जीवन है। हम लोग हर समय अपना जीवन का कुछ अमूल्य समय साफ सुथरा में देके देश को स्वच्छ भारत बनाए। मैं बहुत आभारी हूँ अगर ये वीडियो सबके काम में, और हम लोग प्रॉमिस कर देंगे कि हम लोग इसको साफ सुथरा देश को रख सकते हैं।